हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑल न्यू एपिसोड ऑफ आस्क अश्विन। इस एपिसोड में हम अनबॉक्सिंग करेंगे ड्यूअल माइक की। अक्सर हमें यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉगिंग और इंटरव्यूज़ के लिए दो माइक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बजट है इसमें स्टार्टिंग यूट्यूबर्स के लिए। ये प्रोडक्ट क्या मैंने इसे अमेजोन से मंगा लिया है और हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। यह है सोनाटा गोल्ड वायरलेस माइक्रोफोन प्लग एंड प्ले मॉडल S111। हम अगर इसको पीछे देख रहे हैं कि स्पेसिफिकेशंस है, प्राइस इसकी MRP लिखी है 4999। पहले नहीं, ये इतना महंगा नहीं है। इसकी प्राइस मैं लास्ट में रिवील करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लग एंड प्ले 20 मीटर ऑफ एक्सेसिबल रिसेप्शन, प्रिसाइज रेशियो, क्लियर ट्रिबल्स, हाई सेंसिटिविटी एंड वाइडली कंपैटिबल। हम देख सकते हैं ये तीनों ही मोड में कंपैटिबल है। iOS के लिए USB Type-B, USB Type-C और इन केस अगर आपके पास लैपटॉप है जिसमें आपको इसे कनेक्ट करना है तो आप इसे इसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के इसके नीचे जैसे लाइव शूट्स, इंटरव्यूज, ब्लॉग, शॉर्ट वीडियोज इन सबके लिए। चलिए हम क्योंकि इसको अनबॉक्स करते हैं। ये तो कुछ है, ये चाहे बेसिकली डोंट रिकमेंड। इन्होंने बेसिकली इसके रिव्यूज़ के लिए पैसे का रिकमेंडेशन डाला है। इसे साइड करते हैं। ये है इसका छोटा सा मैनुअल और बॉक्स में हमें मिल जाता है। जैसे कि हमने कहा, ये हमारे पास दो ट्रांसमीटर हैं और ये हमारा सिंगल रिसीवर एंड है। इसे हम मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए Type-C है ये। ये रहा Type-C और हमारे पास इसके अलावा दो ट्रांसमीटर एंड आते हैं बॉक्स में। बहुत ही लाइट वेटेड है। इसके अलावा जैसे कि हमने इनके टैबलेट में देखा था और बॉक्स के कवर में भी देखा था, हमें तीन एडवांस मिल जाते हैं, एक्सटेंशन मिल जाते हैं। ये रहा Type-B के लिए। ये है हमारा नॉर्मल लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए और ये है iOS के लिए। तो चलिए हम क्विकली इसको पैर कर लेते हैं। पैरिंग करना बहुत इजी है फ्रेंड्स। अगर आपका Type-C है तो ये डायरेक्टली लग जाएगा। सिंपली आपको इसे अपने चार्जिंग स्लॉट पर लगाना है मोबाइल के और डायरेक्टली इसे सिर्फ ऑन करना है। ऑन करते हैं हम जब ये प्रेस करके ब्लिंक करने लगता है, विच इंडिकेट्स इट इज इन टू पैरिंग मोड। इसे भी हम कर देते हैं। तो ये दोनों ही पैरिंग मोड में जा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे इस रिसीवर हैंड को मोबाइल में कनेक्ट करेंगे। मैं जिस मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं उसी में इसे कनेक्ट करता हूँ सो दैट हम इसको लाइव टेस्टिंग कर सकें डायरेक्टली। जैसे मैंने इसे प्लग किया है मेरे मोबाइल में, ये दोनों ही ड्रिल हो गए हैं। अभी मैं इन दोनों ही ऑडियो को चेक करेंगे। एक बार मैं इसे चेक करता हूँ फर्स्ट पीस से। सो ये ऑडियो हमें मेरे पहले माइक से आ रहा है। ये वाला अब हम सेकंड माइक को यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों में ही ऑडियो क्वालिटी सिमिलर है, प्लस इसकी रेंज भी अच्छी है। सो हमने रिसेंट टाइम में अभी देखा ही है कि पॉडकास्ट कितना ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। सो अगर आप अपना खुद का एक पॉडकास्ट डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें दो माइक की ज़रूरत पड़ती है, सो एज अ बिगनर आप इन दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं। रही बात इसके प्राइसिंग की, तो ये मुझे 1000 में मिला है। लिंक इसका मैं शेयर कर दूँगा। इसके पहले मैंने K8 माइक्रोफोन बाय किया था जिसके थ्रू मैं मेरे रेगुलर वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आपने उसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं पिन कमेंट में दे दूँगा।
ऐसे ही और वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।